कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं सिर्फ आंदोलनकारियों की बात नहीं करता, उनका हक है, पर उनके अंदर जो ब्लैक शिप है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं नाम लेके बता सकता हूं अभी कौन कौन आए कि एमएलए साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ, उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है कुटिया में और मैं एक्चुअल में फेरों के ऊपर बैठ चुका था, वो एक ऐसा स्थल है, वहां करीब 500-700 लड़कियों की, 800 लड़कियों की शादी हम करा चुके हैं, कल भी 26 जोड़े आए जिनकी शादी की, उन्होंने कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ, पर वो ऑफिस में नहीं आए, क्यों कि उसमें राजनीति ज्यादा, उनके अंदर एक इनेलो का अध्यक्ष जोधका गांव का, एक व्यक्ति राणिया का जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जिसके ऊपर टाटा के 10 केस हैं, वो कहता है कि यहीं बुलाओ, अरे वो भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं बोला उन्होंने, पर उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में किसान हिंदुस्तान का, हरियाणा का बहुत बोलाबाला है, उनको बरगलाने की जो बात है, ऐसे लोग जो उनको बरगला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसानों के जो हक की बात है हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं, और ये जिन्होंने कानून बनाए हैं देश में उनके आगे हमारी बात रख सकते हैं। गरिमामयी सदन में मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी स्थिति कुछ और है, क्योंकि अभी जो पक्ष और विपक्ष, मैं एक अलग इंडिपेंडेंट अपने इलाके से चुन के आया हूं, मेरा कर्तव्य है, मेरे इलाके के लोगों ने, जिन्होंने, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी है, कमेरा वर्ग भी है, सभी ने जो मुझे इस सदन में भेजा है, मुझे सभी की बात रखनी है। और वैसे तो हर व्यक्ति को पता है जो सदन में बैठा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत गांव में बसता है, और गांव का किसान, अगर गांव का किसान सरकार हितेशी ना होता तो दोबारा ना तो हरियाणा में और ना इस देश में मेरे को लगता है सरकार आती। रही बात विपक्ष की, वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं कि किसानों का ये होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, जमीन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ले रहे, तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त दूर नहीं है, अगर किसान आज इतना समझदार भी है, अगर उनको लगेगा कि हमारा ये कानून हमारे हितेशी नहीं है तो क्या दोबारा वोट नहीं होंगे? 3 साल बाद फिर वक्त आएगा। पर आज इस सदन के अंदर जो सरकार इस पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, देखो मैंने, मुझे अभी बाहर कुछ लोग मिले, बोले भाई तेरा तो भारतीय जनता पार्टी ने तेरी तो सपोर्ट ही नहीं ली। नहीं, मैंने अपने दिल से जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके लिए मैं हरियाणा की सरकार के साथ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का जो यहां बैठा है सदन में, उनका कर्तव्य है कि जिन्होंने इनको यहां सदन में पहुंचाया है उनके विकास की ये बात करें, उनके कार्य की बात करें, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे किसी वर्ग के रूप में है। देखो बहन जी, पैसा हर इंसान कमाता है, नहीं नहीं जिसने भी कही है मैं उसको बता दूं, मेरे सामने खड़ा होकर बोल ले, कोई बहस कर ले, आ जाओ, मेरे को क्या दिक्कत है? आप आगे देखो शकुंतला जी, हेलो हेलो, आगे पीछे सब तरफ चारों तरफ वो करते रहे। अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब, सीट पर बैठिए, सीट पर बैठो आप अपनी। देखो नंबर मेरे सरकार ने सारे, हेलो, नंबर मेरे सरकार ने सब देखे हुए हैं, आज नहीं बहुत साल पहले मेरे नंबर देखे हुए हैं सरकार ने, कि मेरे पास एक नंबर है, दो नंबर है, वफाएं इंसान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं, हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। और रही बात मेरे इलाके की जनता की, मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी जो कि सभी के लिए जरूरी था, नहीं पूरी मेरी पहले हो चुकी है, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। सिरसा में मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए बात रखी थी, जो मुख्यमंत्री जी ने, देखो ये हर व्यक्ति के जरूरत की बात है, आप
पार्टी की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, और के अभी भाई कुंडू साहब जी ने बोल ही दिया कि भैया आपको मालूम ही है आपके पास 30 है तो फिर ये ढकोसला क्यों। मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की कि जिस हर व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आज 50-60 सालों से कितने लोग सिरसा के कहां कहां किस किस पोस्ट पे रहे पर सिरसा शहर को नहीं दिया। आज हमने मुख्यमंत्री जी के आगे मांग रखी, उन्होंने तुरंत उसको पूरा किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं। और देखो कृषि के ऊपर मुझे एक बात मुख्यमंत्री जी की पता है सिर्फ कि इन्होंने कहा था डब्बावाली में कि भाई तुम्हारा मुआवजा आ जाएगा, जबकि सिरसा का किसान उस 16-17 के मुआवजे को 300 करोड़ रुपए जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा था वो इन्होंने देने का काम किया। इस बात के लिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने सिरसा के किसानों को जो कि वो भूल चुके थे कि ये मुआवजा आएगा कि नहीं आएगा और अब भी 18, 19 और 20 का जो मुआवजा किसानों को मिल रहा है। देखो चर्चा बहस ये चीजें सब सदन में होती हैं और चलती रहती हैं पर सच्चाई जब वोट आते हैं जब पता चल जाता है कौन किसके साथ है, तो सच्चाई भी सबको मालूम है कि प्रदेश की जनता, कल की बात बताऊं आप सभी साथियों को, मेरे दफ्तर में परसों कुछ लोग आए आंदोलन के लोग हैं, हमें ज्ञापन देना है। उन्होंने कहा जी वो अभी सुबह सुबह हरिद्वार नीलकंठ से आए हैं और आप आधा घंटा घंटा रुको तो उनको बुला लेते हैं ऑफिस में वरना आप घर जाके दे दो। उन्होंने कहा नहीं आप हमारा ज्ञापन यहीं ले लो और हम जा रहे हैं। कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं सिर्फ आंदोलनकारियों की बात नहीं करता उनका हक है, पर उनके अंदर जो ब्लैक शिप है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं नाम लेके बता सकता हूं अभी कौन कौन आए। उन्होंने कहा कि कल जो लोग आए कि MLA साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ, उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है कुटिया में और मैं एक्चुअल में फेरों के ऊपर बैठ चुका था। हमने कहा था कि आसपास की जितनी भी कन्याएं हैं क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है वहां करीब 500-700 लड़कियों की 800 लड़कियों की शादी हम करा चुके हैं। कल भी 26 जोड़े आए जिनकी शादी की पूरे दहेज का सामान दिया, मैं फेरों में बैठ चुका था। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ, ऑफिस में क्यों मांग रहे, ऑफिस में आके क्यों कर रहे हो ये बात। पर वो ऑफिस में नहीं आए क्यों कि उसमें राजनीति ज्यादा, उनके अंदर एक इनेलो का अध्यक्ष जोधका गांव का एक व्यक्ति राणिया का जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है जिसके ऊपर टाटा के 10 केस हैं, वो कहता है कि यही बुलाओ। अरे वो भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं बोला उन्होंने, पर उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में किसान हिंदुस्तान का हरियाणा का बहुत बोलाबाला है, उनको बरगलाने की जो बात है ऐसे लोग जो उनको बरगला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसानों के जो हक की बात है हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं और ये जिन्होंने कानून बनाए हैं देश में उनके आगे हमारी बात रख सकते हैं। और जिन्होंने कानून बनाए हैं जिनको हरियाणा और देश की जनता ने जहां भारत बसता है सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके लिए गलत कानून बनाएंगे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज कोई कुछ भी बात करे ये सच्चाई है। देखो हर इंसान का, हर पार्टी का फर्ज है, वो अपना कर रही है। और आज आपने मुझे मेरे शहर के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मांगे हैं जो इन्होंने पूरी की है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। और मैं तो पहले ही बोल चुका था कि मैं मेरी सिरसा की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हूं क्योंकि उसमें किसान भी है और दुकानदार भी है और हर व्यक्ति है, और मैं इनके साथ हूं और आज भी कह रहा हूं कि मैं इनके साथ हूं। धन्यवाद।